हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और इस पे आज हम थॉमस सकविल जो हैं वो उनके विषय में थोड़ा जानेंगे। ये एलिजाबेथन एज के माइनर पोएट में आते हैं और इनके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1536 से 1608 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनको सबसे पहले अर्ल ऑफ डोरेस्टर, ही इज़ द फर्स्ट अर्ल ऑफ डोरेस्टर इन 1604 में बनाए जाते हैं ये। ही वॉज एन इंग्लिश स्टेट्समैन, पोइट एंड ड्रामेटिस्ट। ये इनके विषय में एक और जानकारी हमें मिलती है। विद द थॉमस नॉर्टन, ही वॉज एन ऑथर इन 1561 ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश प्ले टू बी रिटन इन ब्लैंक वर्स, ग्रोबोडक, एंड विच डील्स विद द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोलिटिकल राइवलरी। तो ये फर्स्ट जो हमारी ड्रामा जहाँ से शुरू होता है, जो फर्स्ट प्ले है, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है। थॉमस नॉर्टन के साथ ये कंट्रीब्यूट करते हैं। ब्लैंक वर्स में एक ड्रामा लिखा जाता है जो इंग्लिश का फर्स्ट ड्रामा है, 1561 में लिखा जाता है, तो उसमें इनका कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर सकविल्स फर्स्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क वॉज पोएम इंडक्शन, विच डिस्क्राइब द पोइट्स जर्नी टू द इन्फर्नल रीजन वेयर ही इनकाउंटर्स फिगर्स रिप्रेजेंटिंग फॉर्म्स ऑफ सफरिंग एंड टेरर। तो ये इंडक्शन इनकी एक पोएम है जिसके विषय में यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। वो कुछ ऐसे रीज़न के बारे में है पोइट की जर्नी जहाँ पे सफरिंग है, टेरर है, और उस चीज़ को इन्होंने अपने पोएम में डिपिक्ट किया है। फिर जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सकविल के बारे में, वो ये है कि इन इमिटेशन ऑफ दांते इन्फर्नो, सकविल फॉर्म्ड अ डिज़ाइन ऑफ ग्रेट पोएम कॉल्ड द मिरर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट पोएटिक कलेक्शन है जिसको इन्होंने इमिटेट किया था दांते के इन्फर्नो को देख के। इन्होंने इस जो वर्क को इन्होंने तैयार किया था। तो अब अगर मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट के बारे में देखें तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम फ्रॉम द ट्यूडोर पीरियड। ट्यूडोर पीरियड आपको पता है, मैंने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर रखा है अर्लियर वीडियोज़ में। द फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1559। दीज पोएम्स वर रिटन बाई द डिफरेंट राइटर्स। इसमें जो पोइट्रिक कलेक्शन है वो सिर्फ इन्हीं की नहीं है, कुछ अदर राइटर्स की भी है, और ये पब्लिश्ड होती है 1559 में। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट पोएम है वो है सारे ट्रेजिक एंड्स हैं हिस्टोरिकल फिगर्स के। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पोएम है मिरर ऑफ मजिस्ट्रेट्स का, उसमें इंडक्शन एंड बकिंगम कंप्लेंट थॉमस सकविल की, ये दो इम्पॉर्टेंट पोएम है जो मिरर फॉर मजिस्ट्रेट्स में देखने को हमें मिलती है। फिर ही वॉज द मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एंड द लॉर्ड ऑफ हाई ट्रेजर्स। इनको जेम्स वन ने ये खिताब दिया था, लॉर्ड ऑफ हाई ट्रेजर्स बनाया था जेम्स वन ने इनको, और ये मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इनकी डेथ सडन स्ट्रोक से होती है, काउंसिल के टेबल पे इनकी डेथ हो जाती है, तो हो सकता है ये भी पूछ दे। फिर बरीड इन अ सकविल फैमिली वॉल्ट इन विटीहम पैरिश चर्च, ईस्ट ससेक्स में इनको बरी किया जाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज बैरन बकहर्स्ट ऑफ बकहर्स्ट। तो ये इनके विषय में, सकविल के विषय में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे। और ये एलिजाबेथन एज के माइनर पोइट में है। इसके बाद हम फिलिप सिडनी को देखेंगे। सिडनी की सारी चीज़ों को देखने के बाद कुछ और माइनर पोइट्स हैं उनको करने के बाद हम शेक्सपियरियन ड्रामा देखेंगे। तो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि फिर बहुत कुछ आने वाला है। डे बाय डे आपको नया नया सब कुछ मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।